पन्ना के पवई ब्लॉक के पिपरह ग्राम स्थित संत कबीर शाला आश्रम में हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी कुशवा समाज द्वारा झंडा पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां लोग कोरोना महामारी के बीच भी आस्था के सरोवर दिखे, जिसमें हर वर्ष की तरह लोगों में कार्यक्रम के प्रति उत्साह दिखा। यहां दूर दूर से श्रद्धालु झंडा पूजन कार्यक्रम में शामिल होने पहुँचते हैं। इस वर्ष भी हजारों की संख्या में लोगों का हुजूम देखने को मिला, जिसमें महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। यहां हर वर्ष झंडा पूजन के बाद कन्या भोजन एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी प्रसादी ग्रहण करते हैं। साथ ही मंच से समाज को एक नई गति नई ऊर्जा देने के उद्देश्य से श्री विपिन कुमार मौर्य ने अपने वक्तव्य दिए। कबीर आश्रम के महंत प्रीतम दास जी बताते हैं कि कार्यक्रम हर वर्ष बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जिसमें सभी का सहयोग शामिल होता है। कार्यक्रम के आयोजन समिति के सदस्यों का कहना है कि कबीर आश्रम किसी विशेष जाति धर्म या संप्रदाय में सीमित नहीं है, इसमें हर जाति वर्ग संप्रदाय के लोग हिस्सा लेते हैं और सहयोग प्रदान करते हैं। आज जो है हर वर्ष की भांति हमारे जो संत कबीर दास जी हैं उनके कार्यक्रम हर वर्ष मनाया जाता है, इसलिए हम लोग उस हर वर्ष गांठ की जन्मोत्सव टाइम में आज सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो ये भंडारा हो रहा है तो कोई स्वयं एक व्यक्ति करवाता है या सार्वजनिक होता है? ये जो भंडारा चल रहा है कबीर आश्रम में ये स्वयं किसी का नहीं होता है, इसमें स्वेच्छा से सभी लोग कोई एक रुपये कोई दो रुपये आके अपना यही दान कर देते हैं, ना कोई लेने जाता है ना किसी के घर से लगता है इसमें, और ये सभी की सहयोग राशि से होता है, ना किसी का व्यक्तिगत है और ना किसी का यह घर है, यह कबीर आश्रम है, बहुत पुराना है। तो ये जो आपकी समाज है तो किस समाज से हैं आप? आज जो हमारा समाज है, हमारा समाज यह पूरा कुशवाहा समाज है और यह कुशवाहा समाज की तरफ से सारा कार्यक्रम है। इसमें अन्य लोगों के अन्य वर्गों के लोग भी हैं जो बाबा कबीर साहेब की अनुयायी हैं, ना कि कुशवाहाओं का है, जो बाबा कबीर साहेब की अनुयायी हैं सभी जो उनके धर्म को मानने वाले लोग हैं उसमें सभी जातियों के लोग जुड़े हुए हैं, ना कि इसमें कोई ब्राह्मण है ना कोई क्षत्रिय है और ना कोई कुशवाहा से, सभी 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 वर्गों के लोग जुड़े हुए हैं। पटेल बोलो सर, आप कहाँ से हैं सर? विपिन कुमार मॉडल ग्राम लिखनी से जी। तो ये जो भंडारा हो रहा है ये आप आए हैं यहाँ पर और ये कितने लोग होंगे अंदाजन यहाँ? लगभग 15 से 20 हज़ार के आसपास पब्लिक होता है यहाँ। अच्छा। और भी बढ़ जाता है, कुछ क्षेत्रीय लोग भी जुड़ते हैं, लगभग 25 हज़ार तक पहुँच जाता है। जी आप कहाँ से हैं सर? जी मैं नालन से हूँ जी। मैं मेरा नाम कांचीराम पटेल है जी। मैं बौद्ध संस्कृति के अनुसार मैं अपने जी सारे संस्कार करता हूँ जी। आज गुरु पूर्णिमा है जी। हम ही लोग समस्त क्षेत्रीय एवं अन्य जनों से श्रद्धालु एवं कबीर के अनुयायी सभी लोग एकत्रित हुए हैं जी भंडारे में, जो गुरु पूर्णिमा के रूप में पर्व के रूप में मना रहे हैं जी। इस गुरु पूर्णिमा का विशेष जो उद्देश्य होता है, हम जिस गुरु की से दीक्षांत हैं या जिसके शिष्य हैं जी, उनके आचरणों को अपना करके, उस गुरु के आचरण को अपना करके, उसकी संस्कृति को अपना करके, अपने भविष्य के अंधकार को जी प्रकाश में ले जाने के लिए यह प्रकाश के रूप में पर्व मनाते हैं जी। गुरु पूर्णिमा अपने शीलों के ग्रहण करने के लिए होती है। गुरु पूर्णिमा का उद्देश्य है धम्म चक्र प्रवर्तन के रूप में हम कबीर के अनुयायी हैं, तो उस धम्म चक्र के परिवर्तन के रूप में जो मनाते हैं उसको हम नए तरीके से हर बार से अच्छाई ग्रहण करने के लिए, लोगों का अच्छा मार्ग बताने के लिए, लोगों को अच्छी नई दिशा के लिए, लोगों का भविष्य का निर्माण करने के लिए हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं। समाज को शिक्षित संगठित एवं व्यवस्थित संविधान के पालन करने के लिए दिशा निर्देश के तौर पर एकत्रित होते हैं। भाईचारा का रिश्ता बनता है, समानता मूलक के अधिकार हैं जो समानता के रूप में हम लोग सभी के आपस में व्यवहार करते हैं, आचरण में उतारते हैं, जिससे हमारा राष्ट्र एकता और अखंडता में बंधा रहे, यही हमारा ध्येय। और सर आप आए हैं, आप कहाँ से हैं सर? जी सर मैं ग्राम कुंवरपुर से आया हूँ जी। मेरा नाम उत्तम पटेल है जी।
तो आप सर ये देखते हैं जो हर साल की भांति इस साल भंडारा कर रहे हैं आप लोग, तो इसमें क्या उपलक्ष्य है समाज का या क्या कैसा वो कुछ समाज के लिए बोलना चाहेंगे आप? जी, बड़े हर्ष की बात है कि हर वर्ष की भांति जी स्वर्गीय श्री भोले बाबा जी जो यहाँ के महंत थे जी साला के, उनके निर्वाण दिवस के रूप में मनाए जी। धन्यवाद। पन्ना से यूडी न्यूज के लिए अमित हरदिया की रिपोर्ट।